अपनी झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर के अंदर उन्होंने जो तांडव वहां पर किया है वो मुझे किसान नजर नहीं आते, क्योंकि वो तो जो यमराज के दूत मुझे लगते हैं। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जो हिसार के अंदर हरियाणा प्रदेश में तीन स्थानों के ऊपर इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर जब हर पीड़ित व्यक्ति कोरोना से बेड के लिए वो तड़प रहा है, ऑक्सीजन के लिए उसको दिक्कतें आ रही थी, उस स्थिति के अंदर सारे सुधार करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 500-500 बेड के कोरोना कोविड-19 हॉस्पिटल हिसार, पानीपत और गुरुग्राम के अंदर वो कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो प्रदेश के लोगों को समर्पित किए, और लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं, और उन्होंने हर जिला स्तर के ऊपर भी जाकर के अधिकारियों से बैठ करके इस बात की मुनि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और उसको लेकर के चाहे ऑक्सीजन की जो किल्लत खड़ी हुई थी क्योंकि वैश्विक संकट है, ज़्यादा संख्या के अंदर कोरोना से पीड़ित लोग आ रहे हैं, बेडों के अंदर भी कहीं ना कहीं वो दिक्कतें महसूस हुई, उसको लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो कोविड-19 ये बड़े वार्ड बनाए गए हैं, स्कूलों के अंदर गांव में जो सरकारी स्कूल हैं उनको कोविड के अंदर बदलने की बात है, और उससे अलग भी और भी जहां पर कोई स्थान मिलता है उस स्थान के ऊपर कोविड वार्ड उसको बनाने का वो कार्य जारी है, और उसी कड़ी के अंदर जब लोगों को ऑक्सीजन युक्त वो 500-500 बेड के हॉस्पिटल जनता को समर्पित किए जा रहे थे, तो उस समय के अंदर किसान के नाम के ऊपर अपनी झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर के अंदर उन्होंने जो तांडव वहां पर किया है वो मुझे किसान नजर नहीं आते, क्योंकि वो तो जो यमराज के दूत मुझे लगते हैं। कि ये समझना चाहिए, मैं प्रदेश के लोगों को भी इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की पहचान करें, वो कांग्रेस पार्टी के जो समर्थित लोग हैं और अन्य दलों के वो समर्थित लोग हैं। कांग्रेस ने आज तक लगातार देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया, परंतु इन स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर या किसी और क्षेत्र के अंदर वो सुधार नहीं हुए हैं। अगर सुधार कहीं हुआ है तो उन लोगों ने अपने सुधार किए हैं, परंतु जनता वो लगातार वो बेबस रही है, और उस कड़ी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कोविड जो ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी इस कोविड-19 में, उस कड़ी के अंदर भी जो पीएम केयर फंड है उसके माध्यम से पूरे देश के अंदर वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए वो घोषणा की, और प्लांट लग रहे हैं, आने वाले समय के अंदर देश में भी और प्रदेश में भी कहीं ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ना क्रम हिसार के अंदर हुआ है कि एक प्रदेश का मुखिया वो इस कोरोना के संकट के अंदर जिसकी एक दृढ़ इच्छा ये है कि हमारे लिए एक एक जान कीमती है, हम एक एक जान को बचाना चाहते हैं, उस कड़ी के अंदर जिन लोगों ने जो तांडव किया है वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और ऐसे लोगों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई वो होनी चाहिए, ऐसी हम मांग भी करते हैं। और क्योंकि उन्होंने जो वहां पर तांडव किया है, जिस प्रकार का वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब वहां पर जा रहे थे उनको रोकने की कोशिश की है, तो इस समाज के अंदर शोभा नहीं देता। इस कोरोना जैसी वैश्विक संकट के अंदर हम सब मिल करके इस बीमारी का सामना करें, परंतु उन लोगों ने तो वहां पर भी इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि ये जो वैक्सीन है ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको लगवाने से व्यक्ति को ना कोई कोरोना है ना कुछ है, इससे नुकसान होगा, इस प्रकार का दुष्प्रचार उन लोगों ने वहां बैठ करके किया है, परंतु वो लोग अपने आप तो नुकसान कर रहे हैं परंतु समाज का भी वो भारी नुकसान कर रहे हैं, समाज को भी वो कमजोर करना चाहते हैं। मेरी उन लोगों से षड्यंत्र है, आप उनसे
उसको षड्यंत्रों को लोगों को वो गुमराह ना करें, झूठी अफवाहें ना फैलाएं। इनसे मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि हमें ये ऐसी झूठी अफवाहों से भी बचना चाहिए और ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए कि वो लोग कौन है। वो सरेआम दिख रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कहीं पर भी देखें तो लोग कांग्रेस के समर्थित है, वो इनेलो के समर्थित है। ऐसे लोग जो अपने आप को उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर आज नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं तो उनका वो हजम नहीं हो रहा और उनका भी विरोध वो कर रहे हैं। परंतु इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर ये विरोध अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मानवता के हित के अंदर ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो मेरी ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया है।